निम्नलिखित संपत्तियों और दायित्वों से 31 दिसंबर 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चिट्ठा बनाइए। हस्तस्थ रोकड़ 6000, भवन 47000, मशीन 30000, बैंक अधिविकर्ष 5000, प्राप्य विपत्र 3000, अंतिम स्कंध 4000, आहरण 2500, लेनदार 8000, देनदार 12000, देवीपत्र 2000, शुद्ध लाभ 16000, उपस्कर 1500, पूंजी 75000। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2008 फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कैश इन हैंड ₹6000, बिल्डिंग ₹47000, मशीनरी ₹30000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5000, बिल्स रिसीवेबल ₹3000, क्लोजिंग स्टॉक ₹4000, ड्रॉइंग ₹2500, क्रेडिटर्स ₹8000, डेटर्स ₹12000, बिल्स पेबल ₹2000, नेट प्रॉफिट ₹16000, फर्नीचर ₹1500, कैपिटल ₹75000। इसके आधार पर हमको स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट बनाना है। जैसे कि हमने बैलेंस शीट के प्रारूप में देखा, हमने जो सेकंड स्थिति विवरण देखा था जिसमें हमने ये माना था कि स्थायित्व के आधार पर स्थिति विवरण अगर बनाया जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन में स्थिति विवरण तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिति विवरण का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे और हम हेडिंग डाल लेंगे स्थिति विवरण दिनांक 31 दिसंबर 2008, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, और हम सबसे पहले दायित्व लिखेंगे कॉलम में, फिर राशि, फिर संपत्ति और फिर राशि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है तो हम इसको सबसे पहले एसेट साइड में लिखेंगे, कैश ₹6000। फिर दिया है भवन यानी कि बिल्डिंग ₹47000, ये भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स है इसलिए हम इसको एसेट साइड में लिखेंगे ₹47000। मशीनरी दी गई है 30000 की, क्योंकि ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स है इसलिए हम इसको एसेट साइड में लिखेंगे ₹30000। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 5000 का, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में हम हमारे पास जितनी अमाउंट जमा रहती है अकाउंट में उससे ज्यादा बैंक हमको विड्रॉल करने के लिए परमिशन देता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का लोन ही है इसलिए ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि भविष्य में हमको फिर उसको पे करना पड़ेगा तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5000। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बिल्स रिसीवेबल, यानी ऐसा बिल जिसपे हमको पैसा मिलेगा, तो ये क्योंकि पैसा मिलेगा हमको यानी हमारे लिए एसेट्स है तो इसको हम एसेट साइड में लिखेंगे ₹3000। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमारे पास वर्ष के अंत में बचा हुआ माल है, हमारा संपत्ति है हमारे लिए एक प्रकार से, तो उसको हम संपत्ति साइड में एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹4000। आहरण दिया गया है, हमने देखा था फॉर्मेट में आहरण जो होता है वो ड्रॉइंग की जो राशि होती है उसको हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। फिलहाल हमने अभी तक कैपिटल यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम एक दो लाइन छोड़कर फिर हम नीचे माइनस लिखकर ड्रॉइंग लिख सकते हैं ₹2500। क्रेडिटर दिया गया है 8000 का, लाइबिलिटी है हमारे लिए। क्रेडिटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमको पैसे पे करने हैं, चुकाने हैं, यानी वो हमारे लिए लेनदार है, एक प्रकार का दायित्व बनता है हमारा, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी में हम लिख देंगे 8000। डेटर्स हम लिख देंगे 12000, देनदार है हमारे यानी उनसे हमको पैसा भविष्य में प्राप्त होगा तो डेटर्स हम लिख देंगे एसेट साइड में 12000। बिल्स पेबल 2000 हम लाइबिलिटी में लिख देंगे। शुद्ध लाभ, क्योंकि हमने देखा था फॉर्मेट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो शुद्ध लाभ होता है उसको हमको कैपिटल में ऐड कर देना होता है और अगर लॉस हुआ है तो हमको लेस कर देना होता है, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ है तो हम इसको ऐड कर देंगे 16000। उपस्कर यानी कि फर्नीचर दिया गया है 1500 का, तो ये फर्नीचर हम यहाँ पे क्योंकि संपत्ति है हमारे लिए तो संपत्ति साइड में हम लिख देंगे 1500। अब हमको यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है लास्ट में, पूंजी चाहे तो हम इसको ढूंढ के सबसे पहले भी लिख सकते थे दायित्व साइड में, लेकिन अगर हम जगह छोड़ के एक प्रॉपर डिस्टेंस में लिख दें तो बेटर होगा। अब हम ऊपर लिख देंगे कैपिटल जिसमें हमको शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट जोड़ना है, तो 75000 कैपिटल है, इसमें हमको नेट प्रॉफिट जोड़ना है 16000 और ये हो जाएगा 91000। इसमें से हम ड्रॉइंग घटा देंगे आहरण को यानी 2500 घटा देंगे
तो हमको 88,500 यहाँ पर बैलेंस जो अमाउंट मिलेगी वो हम यहाँ लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। और अब हम एसेट्स और लाइबिलिटी को टोटल करेंगे, तो टोटल जो है वो दोनों का बराबर आना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो रही है। तो टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसेट्स साइड का भी टोटल 1,03,500 आता है और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 1,03,500 ही आता है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर तरलता के क्रम में चिट्ठा 31 दिसंबर 2006 को तैयार कीजिए। भवन 25,000, मशीनरी 15,000 रुपये, बैंक अधिविकर्ष 2,500 रुपये, प्राप्य विपत्र 1,500 रुपये, अंतिम स्टॉक 2,000 रुपये, आहरण 1,250 रुपये, लेनदार 4,000 रुपये, देनदार 6,000 रुपये, हस्तस्थ रोकड़ 1,500 रुपये, देय विपत्र 1,000 रुपये, शुद्ध लाभ 8,000 रुपये, फर्नीचर 750 रुपये, पूंजी 37,500 रुपये। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2006 इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बिल्डिंग ₹25,000, मशीनरी ₹15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹2,500, बिल्स रिसीवेबल ₹1,500, क्लोजिंग स्टॉक ₹2,000, ड्रॉइंग ₹1,250, क्रेडिटर्स ₹4,000, डेटर्स ₹6,000, कैश इन हैंड ₹1,500, बिल्स पेबल ₹1,000, नेट प्रॉफिट ₹8,000, फर्नीचर 750, कैपिटल ₹37,500। यहाँ पर हमको जो बैलेंस शीट बनानी है उसमें हमको देखना है कि इसमें से कुछ पॉइंट एसेट्स में आएंगे और कुछ पॉइंट लायबिलिटीज में आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको जो पॉइंट दिया गया है उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं बिल्डिंग लिखी गई है 25,000 की। बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स एसेट्स है तो इसको हम एसेट साइड में लिखेंगे 25,000। मशीनरी दी गई है 15,000 की, मशीनरी भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स है तो इसको भी हम एसेट साइड में लिखेंगे 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 2,500 का, हमने देखा कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे 2,500। प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल एक ऐसा विपत्र है जिस पर हमको भविष्य में पैसे प्राप्त होंगे, यानी कि हमारे लिए एसेट्स है और इसलिए हम इसको एसेट साइड में लिखेंगे 1,500 बिल्स रिसीवेबल। अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 2,000 और इसको हम लिखेंगे एसेट साइड में 2,000। ड्रॉइंग हम कैपिटल में से माइनस करते हैं तो ऊपर के दो लाइन को छोड़कर फिर हम नीचे माइनस ड्रॉइंग लिख सकते हैं 1,250। क्रेडिटर दिया गया है 4,000 का, क्रेडिटर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमको भविष्य में भुगतान करना है, यानी हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे क्रेडिटर 4,000। डेटर्स है 6,000 तो डेटर्स को हम संपत्ति साइड में लिखेंगे, डेटर्स यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमको कुछ पैसे मिलेंगे तो ये हमारे लिए एसेट्स हो जाएगी। हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड 1,500, संपत्ति है हमारे लिए एसेट्स में हम लिखेंगे कैश इन हैंड 1,500। देय विपत्र है 1,000, बिल्स पेबल यानी ऐसा बिल जिसपे हमको पेमेंट करना है तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 1,000। शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, हमने देखा था कि पूंजी में हम इसको जोड़ देते हैं तो कैपिटल यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है 37,500, लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं। लाइबिलिटी में हम सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे 37,500 सबसे ऊपर और उसके बाद हम शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे और ये जो हमने आहरण लिखा हुआ था 1,250 का वो हम माइनस कर देंगे। यानी जब हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45,500 और इसमें हम ड्रॉइंग माइनस कर देंगे 1,250 तो ये हो जाएगा 44,250। और फर्नीचर हमने यहाँ पर देखा है 750 का दिया गया है फर्नीचर, क्योंकि हमारे लिए एक स्थायी संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है तो इसको हम एसेट साइड में लिख देंगे फर्नीचर 750 रुपीज। निम्नांकित विवरण के आधार पर चिट्ठा 30 जून 2007 के लिए तैयार कीजिए। कैपिटल 15,000, फर्नीचर 300, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 3,200, देय विपत्र 400, हस्तस्थ रोकड़ 600 रुपये,
देनदार 2,400 रुपये, लेनदार 1,600 रुपये, आहरण 500 रुपये, अंतिम स्कंध 800 रुपये, प्राप्य विपत्र 600 रुपये, बैंक अधिविकर्ष 1,000 रुपये, यंत्र 6,000 रुपये, भवन 10,000 रुपये। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 30 June 2007 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कैपिटल रुपीज 15,000, फर्नीचर रुपीज 300, नेट प्रॉफिट रुपीज 3,200, बिल्स पेबल रुपीज 400, कैश इन हैंड रुपीज 600, डेटर्स रुपीज 2,400, क्रेडिटर्स रुपीज 1,600, ड्रॉइंग रुपीज 500, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 800, बिल्स रिसीवेबल रुपीज 600, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 1,000, मशीनरी रुपीज 6,000, बिल्डिंग रुपीज 10,000। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट हमको बनाना है, कुछ पॉइंट इसमें से एसेट से रिलेटेड है और कुछ पॉइंट जो है वो लायबिलिटीज के हैं। कैपिटल दी गई है सबसे पहले 15,000 की, हम लायबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले 15,000। फर्नीचर दिया गया है 300 का, फर्नीचर फिक्स एसेट से हमारे लिए, एसेट साइड में हम लिखेंगे फर्नीचर 300। नेट प्रॉफिट दिया गया है, हम कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने कैपिटल इनर कॉलम में लिखा हुआ है 15,000, इसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 3,200 और ये टोटल हो जाएगा 18,200। बिल्स पेबल दिया गया है 400 का, तो बिल्स पेबल क्योंकि लाइबिलिटी है हमारे लिए, ऐसा बिल है जिसको हमको पे करना है यानी लाइबिलिटी है 400, तो लाइबिलिटी साइड में हम इसको लिख देंगे 400। कैश इन हैंड दिया गया है 600 का, एसेट्स है कैश हमारे लिए, तो हम इसको एसेट साइड में लिख देंगे कैश इन हैंड 600। देनदार दिया गया है 2,400, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको हमको पैसे जिससे लेने हैं भविष्य में, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से एसेट्स हो जाएगा 2,400। लेनदार यानी ऐसा व्यक्ति जिसको हमको भविष्य में पैसे देने हैं 1,600, हम लाइबिलिटी है ये हमारे लिए, तो 1,600 हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर, ड्रॉइंग दिया गया है, तो हमने फॉर्मेट में देखा कि हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और ड्रॉइंग अगर है तो लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल 15,000 हमने लिखा, नेट प्रॉफिट हमने इसमें ऐड कर दिया 3,200, और तो ये आ गया टोटल 18,200, और इसमें हम ड्रॉइंग माइनस कर दिए तो ये बैलेंस आ जाता है 17,700। और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में हम लिख देंगे 800। बिल्स रिसीवेबल दिया गया है 600, ऐसा बिल जो हमको रिसीव हो गया होगा, जिस पर हमको मनी रिसीव होगी, यानी एसेट्स है ये हमारे लिए, तो हम इसको एसेट साइड में लिख देंगे 600 रुपीज बिल्स रिसीवेबल। बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है, लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। प्लांट दिया गया है, एसेट्स है हमारे लिए, फिक्स एसेट्स है 6,000, एसेट साइड में हम लिखेंगे। बिल्डिंग दी गई है 10,000 की, ये भी एसेट्स है हमारे लिए 10,000, इसको भी हम एसेट साइड में ही लिखेंगे। और यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड का जो टोटल है वो 20,700 से टैली हो रहा है। रमेश ब्रदर्स के निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण तैयार कीजिए। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2008 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ रमेश ब्रदर्स। डेबिट साइड में मशीनरी रुपीज 10,000, पूंजी कैपिटल रुपीज 40,000, मजदूरी वेजेस रुपीज 17,000, लेनदार क्रेडिटर रुपीज 27,000, देय विपत्र बिल्स पेबल रुपीज 1,000, वेतन सैलरी रुपीज 8,000, फर्नीचर रुपीज 10,000, बैंक शुल्क बैंक चार्जेस रुपीज 200, एकस्व पेटेंट रुपीज 12,500, आगत वाहन व कैरेज इनवॉर्ड रुपीज 900,
निर्गत वाहन व्यय कैरेज आउटवर्ड रुपीज 1100, हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड रुपीज 800, बैंक लोन बैंक ऋण रुपीज 5000, क्रय वापसी परचेस रिटर्न रुपीज 500, यात्रा व ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 2500। पर्टिकुलर्स, बिल्डिंग भवन रुपीज 12000, सामान्य व जनरल एक्सपेंसेस रुपीज 4000, शक्ति व ईंधन पावर एंड फ्यूल रुपीज 1000, रहतिया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2008 रुपीज 17000, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न रुपीज 1500, उत्पादन व मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रुपीज 4000, बीमा इंश्योरेंस रुपीज 2000, देनदार डेटर्स रुपीज 39000, अस्तबल व स्टेबल एक्सपेंसेस रुपीज 1200, क्रय परचेस रुपीज 48800, कटौती विकलन डिस्काउंट डेबिट रुपीज 500, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक रुपीज 3000, रहतिया स्टॉक ऑन 31 मार्च 2008 रुपीज 15000, विक्रय सेल्स रुपीज 1,23,500। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनानी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हम एक साथ बना लेंगे और साथ में हम बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेंगे और सीक्वेंस हम देखते जाएंगे, जो पॉइंट जहां का है वहां पर हम लिख लेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का पॉइंट है तो हम उसको ट्रेडिंग में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पॉइंट है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, और बैलेंस शीट का अगर पॉइंट है तो हम उसको बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो अगर हम इस टाइप से बनाएंगे तो किसी भी पॉइंट के छूटने की या कहीं गलत लिखा जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम रमेश ब्रदर्स का व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाएंगे। हम हेडिंग डालेंगे रमेश ब्रदर्स व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और साथ में हम बना लेंगे एक स्थिति विवरण जिसमें हम हेडिंग डालेंगे स्थिति विवरण 31 मार्च 2008। तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण को हम एक साथ शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मशीन, मशीनरी है रुपीज 10,000, क्योंकि मशीनरी बैलेंस शीट का पॉइंट है, बैलेंस शीट के एसेट्स में हम इसको लिख देंगे 10,000। कैपिटल हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख देंगे 40,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू वेजेस रुपीज 17,000। क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी है तो इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे 27,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है हमारी, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे बिल्स पेबल 1,000। सैलरी यानी कि वेतन, क्योंकि हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे सैलरी रुपीज 8,000। फर्नीचर फिक्स एसेट्स है हमारे लिए तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 10,000। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे 200। पेटेंट एकस्व, ये हमारे लिए एक प्रकार की संपत्ति है इसलिए हम इसको संपत्ति साइड में यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिखेंगे 12,500। आगत वाहन व्यय कैरेज इनबोर्ड, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है और आगत वाहन व्यय है यानी कि कच्चे माल की खरीदी पर किया गया व्यय है, ये क्रय पर किया गया ये व्यय है तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड, बेचने पर किया गया व्यय है, विक्रय पर किया गया गाड़ी भाड़ा व्यय है तो इसको हम अप्रत्यक्ष व्यय यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश इन हैंड दिया गया है रोकड़ हस्तस्थ 800, क्योंकि कैश है हमारे लिए एसेट्स है इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे 800। बैंक लोन हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि लोन है हमारे लिए एक प्रकार का दायित्व है तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे बैंक लोन 5000। परचेस रिटर्न, हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेस लिखेंगे उसमें से हमको ये अमाउंट रिटर्न हो रही करनी है
तो इसको हम एक लाइन छोड़ के फिर परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे और उसमें हम फिर 500 माइनस कर देंगे। यात्रा व्यय, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एक प्रकार का, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बिल्डिंग, क्योंकि संपत्ति है इसलिए इसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। पावर एंड फ्यूल, ये कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने के लिए जो यूज किया जा रहा पावर एंड फ्यूल है उससे रिलेटेड है इसलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक, स्टॉक की डेट दी गई है 1 अप्रैल 2008, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं, तो क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 17,000। सेल्स रिटर्न, सेल में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं और ये कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो एक लाइन का गैप करते हुए हम इसको लिख देंगे सेल्स रिटर्न ₹1500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादन व्यय, उत्पादन पर किया गया व्यय है, यानी कि उत्पादन से रिलेटेड जो भी व्यय होते हैं सबके सब प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। डेटर्स हमारे लिए एसेट्स है इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। स्टेबल एक्सपेंस, तो ये हमारे लिए अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत ही आता है तो इसको हम अप्रत्यक्ष व्ययों में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रय हमारे लिए प्रत्यक्ष व्यय है, कच्चे माल का हम क्रय करते हैं, निर्मित माल में उसको बदलते हैं, तो हमारे लिए ये प्रत्यक्ष व्यय है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कटौती यानी कि डिस्काउंट, ये हमारा क्योंकि स्पष्ट रूप से डेबिट दे दिया गया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश एट बैंक एसेट्स है हमारे लिए, एसेट्स में हम इसको लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2008 दिया गया है यानी कि हम समझ जाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक है। रहतिया, क्योंकि 31 मार्च 2008 को है यानी कि अंतिम रहतिया है तो 15,000 रुपए की इस राशि को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। 31 मार्च 2008 को जो रहतिया यानी कि स्टॉक की अमाउंट दी गई है 15,000, ये क्योंकि तलपट के अंदर दिया गया है, एडजस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते के क्रेडिट में लिखना है, बैलेंस शीट में हम इसको कहीं नहीं लिखेंगे। अगर यही एडजस्टमेंट की अमाउंट ट्रायल बैलेंस के कहीं बाहर या विवरण के बाहर और एडजस्टमेंट में दी रहती तो इसको हम व्यापार खाते के क्रेडिट में भी लिखते और एडजस्टमेंट मान के हम इसको अंतिम खाते यानी कि चिट्ठे के एसेट साइड में भी लिखेंगे। फिलहाल इसको हम विवरण के अंतर्गत ही देख रहे हैं इसलिए हम इसको केवल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹15,000। उसके बाद दिया गया है सेल्स यानी कि विक्रय, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में विक्रय वापसी के जस्ट पहले ठीक उसके ऊपर लिखेंगे 1,23,500 और माइनस कर देंगे 1,500, तो 1,22,000 बैलेंस आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स थे हमारे पास ये सब हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया है, तो अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस हम देख रहे हैं, टोटल आता है 1,37,000। इसमें से डेबिट के टोटल को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ मिलता है 48,800 और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम जब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ 48,800। अभी भी हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो 48,800 में हम डेबिट साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं सबको माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस मिलता है 29,300। इसको हम मान लेते हैं नेट प्रॉफिट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और इसको हम नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं 29,300। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल हो जाता है यहाँ पर 48,800। और अब हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जो नेट प्रॉफिट मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 29,300 इसको हमको कैपिटल में ऐड कर देना है, तो हमने स्थिति विवरण में यानी कि बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा है 40,000, इसमें हम इस प्रॉफिट को ऐड कर दिए 29,300, तो ये आ जाता है 69,300। अब हम जब एसेट्स और लायबिलिटी के पॉइंट्स को टोटल करते हैं
तो हमारे एसेट साइड का टोटल हमको मिलता है 1,02,300 और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल हमको मिलता है 1,02,300। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है।